इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से है? आज मैं देखिए पत्ता गोभी गोश्त बना रही हूँ, मैं हैदराबादी पत्ता गोभी गोश्त। उसके लिए देखिए एक पत्ता गोभी और ये 1 किलो गोश्त बगैर हड्डी का, 4 फ्रोजन टमाटे मेरे पास फ्रोजन है, आप फ्रेश ले सकते, 1 चम्मच अदरक लहसुन, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची और 1 कप ऑयल है। गैस ऑन कर दी मैं, ये गरम हो गया भगोना, तेल डाल दीजिए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान तरीका है, देखिए आसान तरीके से बता रही मैं, जल्दी पकने वाली डिश है, ज़रूर बनाइए आप लोग। तेल गरम हो गया, बाद प्याज ये गोश्त डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मसाले डाल दीजिए, ये टमाटे डाल दीजिए, अच्छा भुनिए इसको। टमाटे क्या है, फ्रोजन है ना, गल जाते, बत्ती बन जाते, परेशान मत हो आप लोग। मेरे पास फ्रोजन है बोल के मैं ऐसा डाल रही हूँ, आपके पास फ्रेश है तो आप लोग कट करके भी डाल दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद देखिए पत्ता गोभी डाल दीजिए, वो टेस्टी होती है, रोटी के साथ खा सकते, चावल के साथ खा सकते, कुछ भी दाल है, कड़ी है, कुछ भी सालन के साथ भी खा सकते। इसमें गोश्त भी गल जाता, पत्ता गोभी भी गल जाती, टमाटे भी गल जाते। अब ऐसे इसको ढाप के मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक रखिए इसको। देखिए मैं आप लोगों को बोली थी 20 मिनट तक गोभी रख दो दम पे मीडियम फ्लेम पे, और गोश्त गल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुले बर्तन में पकाए तो थोड़ा देर होती, कुकर में पकाए ना जल्दी पक जाती, गोश्त भी जल्दी गल जाता और जल्दी भी बन जाती। इसके बाद ज़रा हरा मसाला पुदीना डाल दिए, कोथमीर पुदीना थोड़ा भून लेके, डिश आउट करके बताती हूँ। 1-2-3 मिनट भून लिए ये पत्ता गोभी के गोश्त को, भून के मैं डिश आउट करके बताती हूँ। मैं 2-3 मिनट भून ली, बन के तैयार है देखिए पत्ता गोभी गोश्त, अच्छा मज़े का बना। आप भी बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छा होता, टेस्टी होता, चावल के साथ खा सकते, रोटी के साथ खा सकते, बघारा भी बनता, गोश्त की जगह बघारा बनाइए। देखिए डिश बन के तैयार है, बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।